राइट, अभी गाइडलाइन आई NIN की, प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, बट एक्चुअली उन्होंने ऐसा नहीं बोला। अगर आप बहुत लंबे समय तक बहुत हाई प्रोटीन डाइट लेते रहते हो तो देयर इज अ रिस्क ऑफ, पीपल डोंट नो व्हाट अच्छी लाइफस्टाइल इज। मैं तो घर का ही खाना खाता हूँ, दो रोटी खा ली, सब्जी खा ली, फ्रूट खा लिया, मेरा पेट भर गया। कैंसर पेशेंट डाइज मोस्ट कॉमनली बिकॉज ऑफ कैकेक्सिया, नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन। जो लोगों को इसका ओरिएंटेशन है वो फिटनेस इंडस्ट्री में आ गए, तो आपका आगे चल के जीवन लंबा नहीं हो सकता। The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. से 10 साल के बाद एवरी डॉक्टर जो इंटरनेट पे होगा उसे बात करनी ही पड़ेगी मसल पे। चाहे आपको कैंसर हो जाए, आपकी मसल मास मैटर करती है। कैंसर पेशेंट डाइज मोस्ट कॉमनली बिकॉज ऑफ कैकेक्सिया, नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन, कैकेक्सिया। तो अगर आपके मसल मास ज्यादा है, पीपल जिनके वीडियोस हैं इंटरनेट पे कि मैंने कैंसर के साथ जीरा, डॉक्टर ने मुझे कहा था मैं दो महीने में मर जाऊंगा, आज दो साल हो गए, वो इंसान फिटनेस में। I have terminal brain cancer and that gives me 3 years left to live, but that means that I can say yeah due to cancer and spend the rest of my years breaking the world record. देखिए, जो भी स्पोर्ट्समैन को खुदा ना खास्ता कैंसर हुए, वो निकल आए because of their high protein intake, their regular exercise, their muscle mass, their muscle nuclei. So, अगर आप मसल बिल्डिंग नहीं करते हो तो आपका आगे चल के जीवन लंबा नहीं हो सकता। अगर हम बात करते हैं अच्छी लाइफस्टाइल, पीपल डोंट नो व्हाट अच्छी लाइफस्टाइल इज। मैं तो घर का ही खाना खाता हूँ सर, मैं तो दो रोटी सुबह, दो रोटी शाम, दो रोटी रात को खाता हूँ, कुछ और खाता ही नहीं, ये तो अच्छी लाइफस्टाइल है। मैं तो वॉक भी करता हूँ, अच्छी लाइफस्टाइल है। बट वेर इज योर मसल मेंटेनेंस वर्कआउट? व्हेन वाज द लास्ट टाइम जब आपने तेज दौड़े हो? व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू स्प्रिंटेड और यू जंप्ड? आपने उठक बैठक कब करी लास्ट? पता ही नहीं। सो पीपल डोंट डू मसल एक्सरसाइजेस। स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइजेस आर अ मस्ट। एटलीस्ट हफ्ते में 3 दिन 20 मिनट 10 मिनट जरूर करना चाहिए, सभी को करना चाहिए, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक। अपने अपने लेवल पे करो। बूढ़े से बूढ़ा इंसान कुर्सी पे बैठ के खड़ा तो होता है, 10 बार हो सकता है, चाहे सपोर्ट लेके हो, रस्सी पकड़ के हो, लाठी पकड़ के हो, इट्स अ स्ट्रेंथ बिल्डिंग वर्कआउट। अगर वो उसके साथ में प्रोटीन लेता है तो उससे फर्क पड़ेगा, चाहे नेचुरल प्रोटीन लो, चाहे सप्लीमेंट लो। ये भी बहुत हो गया ना, हमारी डाइट्स में प्रोटीन की मात्रा तो बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम है। जो बोलते हैं कि आपको 1 kg पर बॉडी वेट लेना है, 1 gram per kg, बिल्कुल। तो हम कहां पहुंच पाते हैं 1 gram? नहीं ले पाते, और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट इट, एंड दैट इज वेयर द होल प्रॉब्लम इज। राइट, अभी गाइडलाइन आई NIN की, ICMR की, उसमें भी कई लोगों चर्चा करी कि भाई गाइडलाइन में उन्होंने कह दिया कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स खराब है, प्रोटीन सप्लीमेंट मत लो, प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। बट एक्चुअली उन्होंने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने ये बोला है कि प्रोटीन्स के जो पाउडर आते हैं, जो सप्लीमेंट्स आते हैं, बिकॉज ये अनरेगुलेटेड है, इनके अंदर एडिशनल इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, एडिशनल शुगर्स हो सकती है, फ्लेवरिंग एजेंट्स हो सकते हैं, इसके अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हो सकते हैं, तो इसको रेगुलरली कंज्यूम नहीं करना चाहिए अगर आप को जरूरत नहीं है। नेचुरल फूड से आप कंप्लीट कर सकते हो, तो ये तो बिल्कुल प्रायोरिटी होनी ही चाहिए कि आप अपने नेचुरल फूड से कर लो पहले। अगर आप फिर भी नहीं कर पा रहे तब आपको जरूरी है, बट कायदे से तो इंसान को वैसे भी वॉक करना चाहिए। अगर आप वॉक नहीं कर पा रहे तब तो आप साइकिल ले लो, आप स्कूटर ले लो, आप गाड़ी ले लो, पर दुनिया में ऐसे तो नहीं लिख के दे सकते कि गाड़ी खराब है बिकॉज वो मोटापा करती है, बेकार की बात है। सेम वे प्रोटीन पाउडर्स अगर नकली आते हैं तो उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको रेगुलेट करना ये आप ही का काम है, उसको रेगुलेट करिए। अगर हम कह दें दूध नकली आता है दूध मत पियो, वो गलत है। प्रोटीन नकली आता है प्रोटीन मत पियो, वो गलत है। आप अपना 1 gram per kg बॉडी वेट प्रोटीन कंप्लीट करिए। उसके लिए उन्होंने डाइट भी दी, एग्जांपल भी दी, सबसे नीचे पिरामिड बना दिया, उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को डाला, फिर उसके बाद कार्ब्स, पहले सबसे नीचे कार्ब्स होते थे, सबसे नीचे पिरामिड में कार्बोहाइड्रेट होते थे कि दबा के खाओ, बिकॉज लोग मेहनत करते थे, लोग पैदल चलते थे, लोग फार्मर्स होते थे ज़्यादा, तो उनके लिए कार्ब का रिक्वायरमेंट थी, लोग इतनी इतनी रोटियां खाते थे, 8-8 रोटियां खाते थे लोग। आज के डेट में वो 2 भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, एक्टिविटी नहीं है। तो आज के डेट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की पेट उससे भरो, आप फ्रूट से भरो, वेजिटेबल से भरो, उसके बाद आप अपना कार्बोहाइड्रेट लीजिए, अपनी डाइट का 20-30% आप प्रोटीन रखो, 10% 20% फैट रखो। तो प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट, बट पीपल क्या करते हैं, कार्ब खा के वेजिटेबल खा के पेट भर जाता है उनका, 2 रोटी खा ली, सब्जी खा ली, फ्रूट खा लिया, मेरा पेट भर गया, प्रोटीन कहाँ गया? उन्होंने एग्जांपल ऑफ डाइट डाली है, उसमें प्रोटीन के लिए या तो 100 ग्राम दही डाला है, 100-150 ग्राम पनीर डाला है, 1 कटोरी दाल डाली है। अगर इंसान हर मील में दाल ले ले, पनीर ले ले, दही ले ले, प्रोटीन कंप्लीट हो जाएगा। पर हर मील में कहाँ से मिलेगा और किसको मिलेगा? हर इंसान को नहीं मिल सकता, हर मील में तो नहीं मिल सकता। तो हर मील में प्रोटीन 100 से 150 ग्राम हाई प्रोटीन फूड मिलना, ये बहुत बड़ी बात है।
तो ये नॉलेज जब लोगों को हो जाएगा कि 100 से 150 ग्राम दाल खा लो, दही खा लो, पनीर खा लो, दूध ले लो, छाछ ले लो, नॉनवेज खाते हो अंडे ले लो, चिकन ले लो, 100-150 ग्राम हर मील में सलाद खा लो, फिर खाओ जो मर्जी खाओ, चाहे बाहर खा रहे हो ये खा लो, तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लोग मोटे ही नहीं होंगे या कम होंगे, पतले होने शुरू हो जाएंगे। सो यहाँ पर नॉलेज की बात है। जो लोगों को इसका ओरिएंटेशन है वो फिटनेस इंडस्ट्री में आ गए, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री बना ली कि भाई हम तो फिटनेस, हम तो न्यूट्रिशनिस्ट, हम डॉक्टर प्लस न्यूट्रिशनिस्ट प्लस ये प्लस वो, कि आपको प्रोटीन ज़रूर खाना है जी, और प्रोटीन्स में फैट कम रखो, अच्छे से कुक करो, एयर फ्राई यूज़ करो, ये करो वो करो, व्हाटएवर इट इज़। और जो लोग इसमें नहीं हैं वो लोग को लगता है घर का खाना खाओ, राइट, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो NIN की प्रॉब्लम ये नहीं है, उनका प्रॉब्लम ये है कि जब आप बोलते हो कि भाई सेफ्टी लेवल पे आओ, तो वो तो यही बोलेंगे कि हाँ भाई प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं, पाउडर्स हैं, ज़्यादातर अवॉइड करो आप। वो गलत नहीं है कि आपको नेचुरली डाइट से, लेकिन ये बोल देना कि प्रोटीन सप्लीमेंट लेने से किडनी खराब हो जाती है या वो खराब हो जाती है, वो गलत है, वो नहीं होती, उसके कई रिसर्च है। हाँ, अगर आप, उन्होंने वर्ड्स क्या यूज़ करें, अगर आप बहुत लंबे समय तक बहुत हाई प्रोटीन डाइट लेते रहते हो तो देयर इज अ रिस्क ऑफ, कि आपको रिस्क हो सकता है, वो तो रिस्क रहेगा ही, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, एवरीथिंग बैड, गाड़ी चलाते हो, देयर इज अ रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, देयर इज अ रिस्क, उससे ज्यादा रिस्क है, राइट, दैट डजंट मीन कि यू स्टॉप डूइंग दैट। सो दे हैवंट यूज द वर्ड कि स्टॉप टेकिंग प्रोटीन सप्लीमेंट, दे से कि हाई प्रोटीन डाइट बहुत लंबे समय तक लेने से इस चीज का रिस्क है, ध्यान रखो भाई। हाँ, मतलब तो रखो ध्यान। आई होप आप लोगों को भी कुछ, बल्कि बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो कोई भी अगर आपके दिमाग में सवाल आता है, बिल्कुल निश्चिंत होके आप नीचे कमेंट करिए, आप इंस्टाग्राम पे आइए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, एंड फिर मिलते हैं आपसे।